बच्चों की तो भरमार है भाई। जो बच्चे कहते हैं कि ना बच्चे बच्चे मेलों में, एक दो बच्चे देखने को मिलते हैं, कुछ मेले तो ऐसे होते हैं जहाँ बच्चे आते ही नहीं। हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूँ आतिफ अनवर। मैं पहुँच गया हूँ देवा मंडी में, देवा शरीफ जो है बाराबंकी में। यहाँ पर लोगों को ये डाउट था पानी बरस गया, पानी बरस गया है भाई साहब। पानी बरस गया, लेकिन पानी बरस तो गया था, अब सूख भी गया, धूप निकल आई है और मंडी अब धीरे धीरे फुल होने लगी है। बच्चों की भरमार है, तो स्टैलियन भी आए तो एक एक दिखाऊंगा और मंडी में यहीं रुकूंगा, क्योंकि हमारा काम क्या है, दिखाना आपको। चलिए आइए, पहले आपको मंडी घुमा देते हैं देवा शरीफ की, बाद में सारे दिखा दूंगा एक एक करके। चलिए आइए। तो ये आप देख सकते हैं, ये एंट्री है और ये हाथ हिला रहे हैं और नमस्कार, ठीक है? हाँ बढ़िया। तो ये सब है, देखिए दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पर। तो आपको मैं ये बता दूँ कि अब धीरे धीरे यहाँ पर घोड़े आना स्टार्ट हो गए हैं। ये जो पानी भरा है ये तो भरा ही रहता है, देखिए। नुकरा है भाई, मंडी रौनक आप देख सकते हैं, पूरा भर चुका है और कई साइड में है ये। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा बच्चों की साइड दिखा देता हूँ, जो जहाँ पर थोड़े से बच्चे घोड़ों के आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और अब सूख ही गया है, जैसे जो ये हो रहा था कि गीला है गीला है, अब ऐसा कुछ नहीं है, पानी सारा सूख गया। लोग अपने आ रहे हैं क्योंकि भाई यहाँ पर उर्स भी होता है, देवा शरीफ बारिश पाक का मज़ार है यहाँ पर। तो वहीं ये मंडी लगती है, काफ़ी पुरानी है और आप देख सकते हैं इस साइड पे बच्चे बच्चे हैं, काफ़ी काफ़ी मात्रा में बच्चे आते हैं यहाँ पर घोड़ों के। इस साइड में पार्टीशन में ये बना हुआ है मेला जो लगता है, जैसे बच्चे एक साइड और खच्चर एक साइड, जो भी है। और रौनक बढ़ रही है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से भी ये कोरोना के चक्कर में मंडी लगी नहीं थी, तो अभी भी लंपी वायरस का थोड़ा सा डाउट था, लेकिन अब वो क्लियर हो गया। तो इस साइड में देख सकते हैं आप, बच्चे ही बच्चे हैं। और मैं आपको कोशिश करूँगा कि अलग से भी फिर सभी के वीडियो बनाऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस साइड में देखिए काफ़ी बड़ा एरिया है ये, तो लखनऊ से भी पास है, 20-22 किलोमीटर है। अगर किसी को आना है तो लखनऊ से आ सकता है वो देवा शरीफ। लखनऊ पे आप जैसे स्टेशन पे उतरते हैं तो वहाँ से देवा के लिए स्पेशल बसेस भी चल रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बसेस भी चल रही हैं। तो आपको आने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी घोड़े वाले हैं तो कहीं भी पहुँच जाएंगे। इस साइड देखिए बच्चे ही हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इधर भी पूरे में बच्चे ही बच्चे हैं, इधर खच्चर हैं, छोटे घोड़े हैं। अभी और साइड भी चलेंगे, ये एक ऐसा मेला है जिसमें चालबाज घोड़े, एक से एक नामी घोड़े आते हैं, सारे लोग पहुंचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और इस साइड में भी है, आगे बढ़ते हैं, देखिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और एक से एक बच्चे हैं, देखिए नुकरे हैं। बच्चों की तो भरमार है भाई, जो बच्चे कहते हैं कि ना बच्चे बच्चे मेलों में, एक दो बच्चे देखने को मिलते हैं, कुछ मेले तो ऐसे होते हैं जहाँ बच्चे आते ही नहीं। और भाई सब बढ़िया बढ़िया। तो ये देखिए यहाँ पर भी बच्चों की तो भरमार है, जिसको बच्चे लेना है ना तो ले सकता है, यहाँ पर कुछ बड़े घोड़े हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े एरिया में है, ये नुकरे भी हैं सारे हैं। दूसरी साइड भी अभी चलेंगे क्योंकि मेला काफ़ी बड़ी जगह में लगता है ये, और जैसे कहा जाता है कि यूपी के एक बड़े मेलों में से एक है ये। तो जो शौकीन है, जैसे भी जो भी हैं, तो भैया आए, लखनऊ के पास नवाबों के शहर में है ये मेला, तो आप यहाँ पर भी देखिए खच्चर वगैरह सब है। दूसरी साइड चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या है, कैसे क्या है, सब माहौल बन चुका है। और इधर भी देखिए, इधर साइड में भी काफ़ी बच्चे हैं और पूरी तैयारी है, दूर दूर से व्यापारी आए हैं यहाँ पर और काफ़ी अच्छा माहौल है। तो इस साइड में देखिए थोड़े तांगे वगैरह घोड़े हैं सारे, और होटल भी लग चुका है, भाई आ गए।
हर जगह रामपुर वाले कह रहे हैं सिक रही है तंदूरी सिक रही है तंदूरी रोटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम उसी रास्ते वापस जा रहे हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं बच्चे बंधे हुए हैं। बच्चों की बहुत बड़ी मंडी है ये, जो बच्चे कहा जाता है कि यूपी की एक बड़ी मंडियों में से एक है जिसमें बच्चे ज़्यादातर आते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं। जब मेरी किसी से बात हुई थी तो उन्होंने ये बताया था कि इतने बच्चे आते हैं कि आप वीडियो भी नहीं बना पाओगे। तो देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सकेगा वीडियो बनाएंगे, और यही है कि मेले लगते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब ये देखो यूपी का मेला लग गया है, बड़ा बड़ा मेला लगा है, तो लोगों को इससे कॉन्फिडेंस भी आएगा। चलिए अब दूसरी साइड चलते हैं, यहाँ भी देखिए घोड़ा घोड़ी आए हुए हैं और इधर भी सब में है, यहाँ भी पहुँच चुके हैं घोड़ा घोड़ी। ये अजय भाई के घोड़ा घोड़ी हैं, देखिए सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, और इनका अलग से भी वीडियो बनाएंगे। और फहद भाई भी हैं, फहद भाई क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत? पहुँच गए हैं, कब लेके आएंगे अपने? मैं देखिए इंशाल्लाह कल उम्मीद है लाने की, कल लेके ही आएंगे अब माहौल बन गया है। और ये अजय भाई हैं, अजय भाई क्या हाल है आपके? बढ़िया भाई सब। अजय भाई पहुँच गए हैं और कोशिश करेंगे हम सभी से इंटरव्यू लेंगे अलग से। तो ये लेके आए हैं, कितने लेके पहुंचे? ये मैं 5 नग आए हैं अपने। अच्छा, दो घोड़े दो घोड़ियाँ और एक बच्चा, 5 नग आए हैं, बाकी लेके नए, बांधने की जगह नहीं, हर तरफ कीचड़ है, क्या किया जाए। तो और कितने हैं घर पे? और अपने घर पे 6 हैं। चलिए आगे इंटरव्यू में आपसे बातचीत होगी, अभी तो अभी दिखा दें एक मेला, चलिए मिलते हैं अभी। देख लीजिए अजय भाई के बड़े बड़े घोड़े आ गए हैं, तो मैंने आपको बताया है कि बच्चे भी हैं और एक से एक स्टैलियन भी हैं यहाँ पर। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि जा रहे हो, मूछें बड़ी टाइट हैं आपकी भाई साहब। मूछें नहीं, मेरे पास भी घोड़े हैं, अभी आप मेरा बनाइएगा, मेरी 4 घोड़ी एक साथ खुलेंगी। 4 घोड़ी एक साथ खुलेंगी, एक बच्चा खोलेगा 4 घोड़ी। तो अभी खोलेंगे जब आप, अब देख लेंगे अभी, अभी थोड़ा मेला घुमा दें लोगों। मेला घुमा के बस 20 मिनट में आइए आप, 20 मिनट बिल्कुल बहुत तेज। चलिए, और माहौल बन गया है, घोड़े पहुँच गए, ये भी देख सकते हैं आप, बड़े बड़े घोड़े हैं, हाइटदार घोड़े हैं। तो यूपी में ये देखिए ऊँट खड़ा हुआ है, यूपी के एक अच्छे मेलों में से एक है ये। ये झील बह रही है यहाँ पर, अपने तालाब है यहाँ पर, नहर भी है, ये सब जा रहे हैं लेके, कुछ आ रहे हैं। अब बच्चे के ले लो, सबका बना देंगे वीडियो, सबका बनेगा। ये देखिए घोड़े अपने सारे खड़े हुए हैं। तो जिसको जो डाउट था कि मेला लगेगा नहीं लगेगा, तो भाई साहब देख लो सब डाउट क्लियर हो गए, जिनको आना है आ जाए, मेला बिल्कुल चालू है और फुल माहौल है। ये देखिए, ये देखिए, और आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या माहौल है। और यही है कि देखिए अभी तैयारी पूरी है, थोड़ा सा बारिश की वजह से चीज़ें कंफ्यूजिंग हो गई थी, लेकिन अब सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो आइए मज़े लीजिए देव मंडी के, बाकी देखिए फुल माहौल है भाई साहब। चलिए आगे चलते हैं, इधर जो थोड़े से चालबाज जो घोड़े हैं वो देखने को मिलेंगे आपको, जैसे ये सब देखिए तैयारी है पूरी। और बद्री की रेस कैंसिल हुई बारिश की वजह से, तो लोगों का जो अंदर का जैसे जो एक अंदर वो भड़ास होती है ना, वो यहाँ निकलेगी सबकी, तो यहाँ दौड़ेंगे सबके घोड़े। तो आप देख सकते हैं ये सब टेंट वगैरह लग रहे हैं, ये सब है देखिए। सरफराज भाई और सारे लोग यहाँ पहुँचेंगे, अभी थे सरफराज भाई, सबसे ही बातचीत होगी हमारी, तो सभी से सबके इंटरव्यू लेंगे। गौस भाई भी आएंगे और भी जितने घोड़ा पालक अच्छे हैं सभी से मुलाकात होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिंधी नस्ल के घोड़े हैं, देखिए काफ़ी बड़ी जगह में मंडी लगी हुई है ये, और लोग अब इसी अपनी तैयारी में हैं कि बस मेला धीरे धीरे स्टार्ट होगा। और ये खाने का भी इंतज़ाम हो रहा है, फुल फुल तैयारी है सबकी।
चावल बना रहे हैं, ये हाथ जल गया तुम्हारा है, उबल रहे हैं चावल। तो ये देखिए यहाँ पर भी, ये देखिए भाई साहब खड़े हुए हैं, कह रहे हैं हमारा फेमस घोड़ा है बहुत चला जाएगा, हम लोग बाल भी बड़े शानदार हैं आपके, आपके ये सही कह रहे हैं, मेरे ही जैसे बाल है। तो घोड़ा ये भी है देखिए, सब अपने सब चाह रहे हैं इनकी भी, बहुत बढ़िया चालबाज बता रहे हैं। तो ये देख सकते हैं किसानों के भी घोड़े हैं, सभी लोग यहाँ व्यापारी पहुँचे, दूर दूर से व्यापारी आए हैं यहाँ। तो अभी तो मंडी भर रही है धीरे धीरे, तो देखिए मंडी की रौनक बढ़ चुकी है और घोड़ा घोड़ी पहुँच रहे हैं। और आज मैं मंडी फुल होने के चांस है, ये सब गाड़ियाँ देखिए ये भी भरी हुई है गाड़ी घोड़ा घोड़ी से। तो वही है कि अब धीरे धीरे फुल हो रहा है मामला है, चाचा भर रही है मंडी, हंस रहे हैं। तो ये भी खड़े हुए हैं घोड़ा घोड़ी, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, अब उतरने वाले हैं ये, ये देखिए ये सब भरी हुई है गाड़ी, इनकी बच्चे ही बच्चे हैं। और कितने ले आए बच्चे? बच्चा ले गए हैं 40। कहाँ से आए हो? पंजाब। 40 ले गए? रहने वाली मथुरा के, माल पंजाब का। मथुरा गए और पंजाब से ले गए आए हो, 40 बच्चे लाए हो? एक गाड़ी खुल चुकी है, एक खुल गई। हाँ। 40 बच्चे ले गए आए, ये मथुरा गए हैं, पंजाब से लाए हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा रौनक है, लोग आ रहे हैं, खूब भीड़ है। ये भाई भी खड़े हैं, देखिए सिंधी नस्ल भी यहाँ पर है, चालबाज घोड़ा है। तो सभी तरह के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और ये मंडी मानी जाती है कि चालबाज बच्चे ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, चालबाज ज़्यादा घोड़े आते हैं और बच्चों की मात्रा भी ज़्यादा रहती है। तो देखिए ये भी सब भर आ रहे हैं घोड़ा घोड़ी। तो चलिए, इस वीडियो का मकसद था आपको बनाने का कि आपको एक अपडेट मिल जाए कि कितने घोड़े पहुंच गए हैं और कैसे क्या है। तो आप लोग देखकर पहुंचिए और बाकी सारे वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी और मंडी की सारी अपडेट मिलती रहेगी। इसीलिए चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें, लाइक करें। तो चलिए मुझे अभी इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो में आपसे बहुत जल्द, जब तक के लिए धन्यवाद।